वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बोट एयरडॉप 171 इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है 1799 के प्राइस पॉइंट पे, और फिलहाल दो दिनों से इसे कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ। इन दो दिनों में इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इसको मैंने कर लिए हैं नोट डाउन, जो कि इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ करने वाला हूँ शेयर। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हो झा टेक्नो। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट मैं अपने चैनल पे अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो बॉक्स है उसको जब आप ओपन करते हैं तो क्या क्या कॉन्टेंट इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बॉक्स पे सामने एक साइड से काफ़ी बड़ी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, वहीं पर फोटोग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस और मेंशन करे गए हैं, जैसे कि MRP वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। वहीं पे बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा 1 ईयर का, साथ में एक यूज़र गाइड मिल जाएगा जिसके अंदर में सारी इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेगा कि इस एयरबड को जो है आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो उसे जरूर रीड कर लीजिएगा। साथ में थोड़े एक्स्ट्रा पेपर वर्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स देखने को मिलेगा, जो कि सिलिकॉन का है। सॉफ्ट मटेरियल में आपको दो एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप मिलेंगे, साथ में एक माइक्रो USB केबल मिलेगा इस ईयरबड को चार्ज करने के लिए, और ऑफकोर्स आपका मेन डिवाइस बोट एयरडॉप्स 171 वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे बॉक्स कॉन्टेंट यही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके लुक्स और डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने मार्केट में इसको 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक आता है आपका ब्लैक कलर, दूसरा आ जाता है आपका इंपीरियर ब्लू कलर, जिसे मैंने ऑर्डर देके मंगाया है, तीसरा आ जाता है आपका रोज़ गोल्ड कलर। यहाँ पे ये 3 कलर वेरिएंट मिलते हैं। अगर मैं कलर की बात करूँ तो चाहे इसके केस की बात कर लीजिए, चाहे इसके ईयरबड की बात कर लीजिए, दोनों पे आपको मैट कलर कोटिंग का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक इसको प्रोवाइड कराता है। अगर मैं ईयर इसके जो केस है उसकी बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे केस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट यहाँ पे केस आपको देखने को मिलेगा। कैप्सूल टाइप का डिज़ाइन है इसके केस का, और इजिली आपके शर्ट के पॉकेट में चला जाता है, इजिली आप इसको जींस के पॉकेट में रख सकते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी ले जाने आने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। वहीं पे यहाँ पे केस पे ऊपर की साइड से आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बैक साइड में आपको एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा केस को चार्ज करने के लिए। सामने की साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक LED आपको देखने को मिलता है, बट वो LED आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी, जब आप इस केस को चार्जिंग पोर्ट में लगाते हैं चार्जिंग करने के लिए तब वो आपको LED दिखाई देती है। नीचे की साइड से आपको थोड़े बहुत यहाँ पे बैटरी की इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंशन करी गई। वहीं पे अगर मैं ईयरबड की बात करूं तो दोनों ईयरबड पे आपको ऊपर की साइड से बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिलेगा विथ लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग के साथ में। तो यहाँ पे जो लुक है इसका, अगर पूरे ओवरऑल मैं इसकी डिज़ाइन और लुक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप इसको जब वेयर करते हैं तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ये आपको प्रोवाइड करा। तो यहाँ पे लुक वाइज जो है काफ़ी अच्छा काम किया गया है बोट की तरफ से। यहाँ पे खासकर का जो इसका कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो है बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे बिल्ड में बात करूँ तो दोस्तों 1799 के प्राइस पॉइंट पे मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी इससे, बट यहाँ पे 1799 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे मतलब जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, दोनों ईयरबड में भी और केस में भी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे ईयरबड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी आपको मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट और इसके फील की दोस्तों। तो यहाँ पे कंफर्ट और फील में बात करूँ तो इसे जो है इस ईयरबड को मैंने कंटिन्यूसली मैंने 3 घंटे 40 मिनट तक कंटिन्यूसली यूज़ किया है। दोस्तों, आप यकीन मानिए 3 घंटे 40 मिनट तक यूज़ किया है, और इन टाइम पीरियड्स में जो है मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि लाइट वेट है ईयरबड आपका, साथ में आपको जो है ना ईयर में ऐसा नहीं होता कि पेन फील करा रहा हो या वार्म हो रहा आपका ईयर, ऐसा मेरे केस में, मेरे टेस्टिंग में, मेरे यूजेज में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बट देखिए, सबके ईयर के जो मतलब साइज होते हैं या फिर आपका शेप होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था तो आपको भी कंफर्टेबल रहेगा। हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, इसलिए आप जब कोई भी आप ईयरबड लेते हैं तो पहले उसको इस्तेमाल कीजिए थोड़े टाइम, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पे आपके केस में अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे ईयर टिप्स अलग अलग दिए गए, तो मे भी शायद आपको जो है वो कंफर्टेबल हो शायद, बट यहाँ पे मेरे केस में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल था। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसका जो ग्रिप है दोस्तों, वो ग्रिप जो है ना
ठीक ठाक है, मतलब आपके कान में अच्छी तरह से अगर फिट बैठ गया तो आपके कानों से जल्दी गिरेगा नहीं, बट फिर भी ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो ग्रिप है वो लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ एक देखने वाली बात आ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो है वो बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर बैटरी में कंपनी ने इसके अंदर में आपको जो इसका चार्जिंग केज है यहाँ पर आपको 380 mAh की बैटरी का यूज़ किया गया है, और कंपनी ये कहती है कि आप इसके चार्जिंग केज से इस ईयरबड को 3 बार चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे ईयरबड की बात करूँ तो दोनों ईयरबड्स में आपको 43 mAh की बैटरी का यूज किया गया, और कंपनी का ये कहना है कि इसका जो ईयरबड है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो आपको जो है ऑलमोस्ट 3 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम देगा कंटिन्यूसली। अब मेरे टेस्टिंग के अंदर में मैंने इसके ईयरबड को पूरी तरीके से चार्ज किया है और 80-85% वॉल्यूम लेवल पे मैंने कंटिन्यूसली म्यूजिक जब सुनना स्टार्ट किया तो इसने मुझे 3 घंटे 40 मिनट का प्लेबैक टाइम दिया है 80-85% वॉल्यूम लेवल पे, यानी कि कंपनी जो क्लेम कर रही है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाता है। दोस्तों देखिए 3-3.5 घंटा जो है मानता हूँ बहुत ही कम है, बट इसके प्राइजिंग को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कम है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसकी प्राइजिंग को देखिए तो 3-3.5 घंटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपको ज़्यादा अगर बैटरी बैकअप चाहिए तो आपको हायर मॉडल पर जाना पड़ेगा, जो कि फ्लैगशिप वाले मॉडल्स आते हैं उसमें आपको 8-10 घंटे का भी बैटरी बैकअप एक ईयरबड से मिल जाता है, बट इस प्राइस पॉइंट पर मुझे कोई ज़्यादा कंप्लेन नहीं है इसके बैटरी बैकअप से, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप वाइज मुझे तो पसंद आया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंट्रोल्स के बारे में, तो यहाँ पे कंट्रोल्स जो है आपको टच कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, आपके दोनों ईयरबड्स पे आपको जो है फिजिकल पुश बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, इसी बटन से आपको सारा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर म्यूजिक को प्ले पॉज करना है तो किसी भी ईयरबड को आपको जो है एक बार जो है वो टैप करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो आपका जो है वो म्यूजिक प्ले और पॉज हो जाता है। उसी तरीके से आपका जो है फ़ोन कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जो है सॉन्ग्स वगैरह को जो है आगे बढ़ाना है, जंप कराना है, तो राइट ईयरबड को 2 बार प्रेस करना होगा तो आपका सॉन्ग जो है वो आगे जंप हो जाएगा। अगर बैक जंप कराना है सॉन्ग को तो लेफ्ट वाली ईयरबड को 2 बार आपको प्रेस करना होगा तो बैक जंप होता है। वहीं पर अगर गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है आपको तो यहाँ पर आपको जो है 2 सेकेंड तक किसी भी ईयरबड को प्रेस करके रखना पड़ेगा तो आपका जो है वो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट आपका हो जाता है। तो जो ईयरबड है वो आपका उसी तरीके से काम करता है जैसे इसके यूजर गाइड में दिया गया है, तो बटन्स वगैरह ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बट एक मेजर पॉइंट जो है मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो पुश बटन दिया गया है वो मुझे इसको यूज करते हुए मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हार्ड है। जब आप इसे पुश करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका ईयरबड जो है वो काफ़ी अंदर कानों के अंदर जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बटन वाले जो ईयरबड्स होते हैं अक्सर बजट रेंज के उसमें ये दिक्कतें देखने को मिलती है, वैसा ही इसमें भी है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा तब ये अच्छे काम कर पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर में ब्लूटूथ 5.0 का यूज किया गया है। अब मेरे टेस्टिंग में मैंने इसको जो है आपका स्मार्टफोन और आपका जो डिवाइस है जो आपका बोट एयरडॉप 171 है इसके अगर बीच में कोई भी मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं है स्टेट में आप देखते हैं तो आपको 22 मीटर तक का ये रेंज प्रोवाइड कराता है, बट आपके डिवाइस और आपके स्मार्टफोन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस है जैसे कि कॉन्क्रीट की वॉल वगैरह या फिर दरवाजे वगैरह हैं तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मीटर तक का रेंज आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मैंने ईयरबड्स इससे पहले टेस्ट करे हैं ब्लूटूथ 5.0 वाले कनेक्टिव वाले उसमें जो डिस्टर्बेंस के साथ में भी जो है ना 11-12 मीटर तक का रेंज प्रोवाइड कराता है, बट यहाँ पे इस वाले मॉडल के अंदर में जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े कम रेंज आपको देखने को मिलता है। 5.0 यूज किया गया है बट आपको 7 से बहुत ज़्यादा तो 8 मीटर तक का जो रेंज आपको प्रोवाइड कराएगा अगर डिस्टर्बेंस है बीच में तो, अदरवाइज 22 मीटर तक का रेंज आपको प्रोवाइड कराता है। तो कनेक्टिविटी वाइज जो है वो मतलब ऐसा ही है, ठीक ठाक ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके दूसरे फीचर के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर में आपको IPX4 की वाटर सर्टिफिकेशन भी दी है, यानी कि आपके थोड़े बहुत स्वेटिंग्स वगैरह जो है उसे झेल लेगा, थोड़े बहुत पानी की छींटे वगैरह जो है वो ये झेल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके गेमिंग में, तो मैंने इसको गेमिंग वगैरह भी इसके ऊपर करी है, इसको लगा के यूज किया है, तो गेमिंग में यहाँ पे लेटेंसी का इशू मुझे देखने को मिल गया, यानी कि आपका ऑडियो की जो सिंक्रोनाइजेशन है गेमिंग में खास करके नेट ओरिएंटेड जो गेम्स है उसमें, तो यहाँ पर आपको लेटेंसी में दिक्कत होगी, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो डिले आपको पता चल जाएगा। तो गेमिंग के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अदरवाइज आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं या कोई ऐसा वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, आपको ठीक ठाक यहाँ पे काम करता रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई डिफरेंस डिले वगैरह आपका हो रहा है।
तो यहाँ पे डिले तो गेमिंग में मिलेगा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका मेन जो पॉइंट है वो ये कि ऑडियो यहाँ का, कि ऑडियो के अंदर में इसने कैसा काम किया। तो यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर में 6 mm का ड्राइवर का यूज किया गया है। अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊं तो अगर आप ऑडियो फाइल टाइप के बंदे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इससे आपको दूर रहना है, मतलब कि ऑडियो फाइल टाइप के लोग जो हैं उसके लिए ये ईयरबड नहीं है। और वैसे भी यार मतलब ऑडियो फाइल टाइप के जो लोग होते हैं वो बजट रेंज के जो डिवाइस हैं ईयरबड है उसमें कभी भी नहीं जाते, वो फ्लैगशिप रेंज के जो ब्लूटूथ डिवाइस हैं मतलब ईयरबड्स हैं उसमें आपका जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कैजुअल यूज़र हैं, एक कैजुअल यूज़र है तो आपके लिए मैं ये बताऊंगा कि ये ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इसका जो बेस है यहाँ पे, बेस के अंदर में देखिए बोट जो है वो एक बेस ओरिएंटेड आप कह सकते हो कंपनी है। यहाँ पे इसके जो ईयरबड्स होते हैं उसमें अक्सर बेस काफ़ी अच्छा होता है, बट इस ईयरबड के अंदर में मैं आपको बताऊं तो बेस जो है वो काफ़ी थम्पी बेस है। बेस यहाँ पे है मौजूद और काफ़ी थम्पी है, लेकिन बेस के अंदर में मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है ना ऑडियो के अंदर में वो रिफाइनमेंट आपको नहीं मिलता, यानी कि बेस में वो पंचेज आपको सुनाई मतलब नहीं देते। साथ में जो डीपनेस है बेस के अंदर में, जो डीप बेस होता है वो आपको कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं हुए वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे थंप तो काफ़ी ज़्यादा है, थंप है इसके अंदर में, बट उस टाइप का बेस नहीं है कि मतलब मैं जो है आपको ये बताऊँ कि हाँ ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इसके जो वोकल्स और ट्रेबल्स की सेपरेशंस की बात करें तो वोकल्स और ट्रेबल्स की सेपरेशन में भी जो जो है यही दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि जो इसका मिड टोन्स है और हाई टोन्स हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो रिफाइनमेंट नहीं दी गई है। ठीक है मतलब बैलेंस है, बट इतना भी नहीं कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप ऑडियो फाइल टाइप के बंदे तो इसे ले सकते हैं। बट हाँ, एक कैजुअल यूज़र है जो 2-3 घंटे म्यूजिक सुनता है, थोड़ा बहुत वीडियो गेम खेल लेता है, थोड़ा बहुत जो है आपका मूवीज़ वगैरह देख लेता है, तो फिर हाँ ठीक ठाक है काम, मतलब जो है वो ठीक ठाक ये कर जाएगा। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ दोस्तों साफ साफ बताऊँ तो यहाँ पे 10 में से इसको 7.8 स्टार दूंगा ऑडियो के अंदर में। एक कैजुअल यूज़र को इसकी ऑडियो की जो परफॉर्मेंस है वो पसंद आएगी, बट ऑडियो फाइल टाइप के बंदे को पसंद नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा बेस हेड टाइप के जो बंदे होते हैं उनको भी शायद ये पसंद ना आए, बेस हेड टाइप वाले बंदे को, बट फिर भी बेस है इसके अंदर में लेकिन उस टाइप की रिफाइनमेंट बेस के अंदर में या ऑडियो के अंदर में आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे माइक्रोफोन में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसका जो प्राइस रेंज है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगा था कि इसका माइक्रोफोन मतलब इतना अच्छा हो सकता है। 1799 के प्राइस पॉइंट पे इसका माइक्रोफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है दोस्तों। इसके जो दोनों ईयरबड्स हैं उन पर आपको सामने एक साइड ऊपर की साइड में माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। और जब मैं इससे बात कर रहा था, अगर आपका जो स्मार्टफोन है उसमें कनेक्टिविटी इशू नहीं है यानी कि आपका नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है तो आपका जो माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सामने वाले बंदे को काफ़ी मतलब मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही थी और उसकी आवाज़ भी मुझे क्लियर सुनाई दे रही थी जब कनेक्टिविटी अच्छी थी। जब मैं ड्राइव कर रहा था जहाँ पे मुझे लगा कि सिग्नल में ड्रॉप वगैरह हो रहा है तो उस टाइम ये भी आपका जो है वो दिक्कत थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा रहा था, बट वो तो जेन्युइन है, नेटवर्क में दिक्कत होगी तो ईयरबड में भी आपका दिक्कत होगा, बट नेटवर्क यहाँ पे जब ओके है तो यहाँ पे आपका ये काम अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन वाइज मुझे ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 1799 के प्राइस पॉइंट पे दोस्तों एक ट्रू वायरलेस ईयरबड आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यही बजट है, तो इस बजट में ये ठीक ठाक है, आप इसे ले सकते हो। बट देखो यार, आफ्टरऑल लास्ट डिसीजन आपका ही होना चाहिए, आपका हार्ड अर्नड मनी है, आपको डिसाइड करना है कि लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है, चाहे छोटे ब्रांड का हो चाहे बड़े ब्रांड का हो, इनका कभी कोई भरोसा नहीं होता, चला तो बहुत दूर तक, नहीं चला तो कुछ नहीं। तो ऐसा ही है, रिकमेंड मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका ऑडियो का जो परफॉर्मेंस है वो उस टाइप का नहीं है कि मैं इसे आपको रिकमेंड करूँ, बट बस ऐसा ही है, लेना है तो आप ले सकते हो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, दोबारा मुलाकात होगी आपसे इसी टाइप के किसी वीडियो में।